मजबूरन करणधीर ने मुंबई को अलविदा किया और दुबई शिफ्ट हो गए। लेकिन दुबई में भी उन्हें न सिर्फ सोशल साइट्स पर बल्कि दुबई डाउनटाउन में भी उन्हें साहिल खान के जरिए फिर से परेशान किया जाने लगा। करण ने साहिल खान के खिलाफ इस तरह की हरकतों से तंग आकर दुबई के बुरदुबई पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। यहीं से साहिल खान के लिए दुबई की जमीन तंग होते नजर आई। करणधीर के जरिए एफआईआर दर्ज कराए जाने के बाद दुबई पुलिस ने साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था, सडनली ये इंसान फिर से मेरी लाइफ में आता है और मेरे घर के नीचे हर दूसरे दिन आता है, मेरी हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर के नीचे आके मुझे थ्रेट करता है कि कहाँ हो तुम, मैं आ गया हूँ यहाँ पे ऐसा। मेरी फोटोज फिर से सोशल मीडिया पे डालने शुरू कर देगी इसकी साइड से। मैं ये सब चीजें देख के मैंने अपने दोस्त के साथ, यहाँ के लोकल मेरे दोस्त हैं उनके साथ मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू फाइल द केस अगेंस्ट हिम डायरेक्ट। तो मैंने केस किया और केस होने के बाद ये इंसान कंटिन्यूसली मेरे घर के नीचे आता रहा और पुलिस जो है वो नोटिस करती रही। मैं पुलिस को भी इन्फॉर्म करता रहा कि ये इंसान अभी भी मुझे परेशान कर रहा है, मैंने इसकी वजह से, मुझे जान का खतरा था इंडिया में, मैंने इसकी वजह से ही इंडिया छोड़ा है बिकॉज आई वॉज नॉट सेफ देयर। सो इसलिए मैं दुबई में आया, बिकॉज मैंने सुना था कि दुबई